friends. So yesterday we talked about matter in our surrounding and with a basic introduction of matter. So we have discussed that ki matter is anything that occupies space and that have mass. And with their examples we have done like chair, almirah, table, etc. Those quantities who are having mass as well as they occupy space, all are the things that consist matter. Okay, so after that we have classified that matter in five forms. First one is solids, second liquids, third gases, fourth one is at plasma state, and fifth one is Bose-Einstein condensate. Solids, liquids, gases, plasma, and Bose-Einstein condensate. So we have done these three with the basic introduction of them, right? Okay. So what is that fourth state? What is this? Plasma. Plasma is generally a most energetic and super active particles. जो plasma state होती है इसमें हमारे सबसे ज्यादा energetic particles जो होते हैं वो हमारे किसमें होते हैं? Plasma state में होते हैं, super active, बहुत ज्यादा activeness जिसमें होती है particles, right? So इसकी example हम दे सकते हैं कि जितनी भी आपकी fluorescent tubes होती हैं, fluorescent tubes मतलब glowing tubes होती हैं जितनी, ठीक है, उनमें क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा प्रेजेंट होता है. क्लियर? इसमें जब क्या करते हैं पार्टिकल्स, दे आर वेरी रेडिली टू मूव हेयर एंड देयर इन वेरी गुड वे. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे द फिफ्थ वन स्टेट की, बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट कि जो मैटर है हमारे पास, जो मैटर है बेसिकली वो मैटर किससे बना हुआ है. मैटर के पास ऐसी क्या चीज है जिससे मैटर बना है? मैटर बना है जनरली आपका पार्टिकल से. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, अब ये पार्टिकल्स कौन से हैं? मतलब कि ये पार्टिकल्स कैसे पार्टिकल्स हैं? बड़े हैं, छोटे हैं, कैसे पार्टिकल्स हैं? सो लेट्स टेक एग्जांपल. एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, राइट? इस बीकर में हमने क्या किया, वाटर फिल कर दी. फिर हमने क्या किया, इस बीकर में वाटर फिल करने के बाद वी पुट सम क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट मिक्स किया वाटर में और इसको स्पून से मिक्स कर दिया. जब हमने इसको मिक्स किया तो हमने देखा कि ये जो सॉल्ट है ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है वाटर में. ठीक है, क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है वाटर में. तो वहां से हमें ये पता लगा कि जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी टाइनी, दे आर वेरी टाइनी. इतने टाइनी पार्टिकल्स हैं दैट यू कांट डिटरमाइन एंड इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन. क्या है? बियॉन्ड इमेजिनेशन है. इफ इट कम टू द टेस्ट, तो आपने देखा कि जब हमने वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व नहीं किया था तो उस टाइम पे जो हमारे पास सॉल्ट था वो इतना, जब हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है तो वाटर बिकम सॉल्टी. सो टेस्ट वाइज भी देयर इज अ डिफरेंस. तो उतने टाइनी जो पार्टिकल्स हैं आपके, उनका देखो कितना ज्यादा इफेक्ट है दैट कि जैसे ही वो जाके उस लिक्विड में मिक्स होते हैं तो इट चेंज द टेस्ट ऑफ दैट लिक्विड ऑल्सो, राइट? सो देयर इज वन एग्जाम्पल इन योर एनसीईआरटी बुक्स दैट व्हेन वी हैव टेकन वाटर इन द बीकर एंड सम क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट. ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट के जो क्रिस्टल्स हैं हमारे पास, उन क्रिस्टल्स को हमने बीकर में डाला.
तो फिर क्या होगा, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, स्पून से इसको मिक्स करना है, देन यू विल सी दैट द कलर ऑफ दिस वॉटर, द कलर ऑफ दिस वॉटर विल बी सम पिंकिश कलर, पिंकिश कलर विल बी देयर. सो इट मीन्स कि हमारे पास जो ये पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स थे, जो ये टाइनी क्रिस्टल्स थे, इट कैन चेंज द कलर ऑल्सो, इट कैन चेंज द कलर ऑल्सो. इन्होंने क्या किया, कलर को भी चेंज कर दिया, किसके, वॉटर के कलर को भी चेंज कर दिया. समझ आई बात, कि हमारे पास जो वॉटर के, वॉटर में जब हमने क्रिस्टल्स को डाला तो इट कैन चेंज द कलर ऑल्सो, इट कैन चेंज द टेक्स्चर ऑल्सो, एंड इट कैन चेंज द टेस्ट ऑल्सो. तो बेसिकली हमारे पास अब इस पार्टिकल का ऐसा क्या करेक्टरिस्टिक है कि जिसकी वजह से जैसे ही हम इसको वाटर में डालते हैं वो डिजोल्व हो जाता है, उस क्या रीजन है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है इस पार्टिकल की, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पार्टिकल, कि ऐसा पार्टिकल में क्या है कि जैसे ही हम इन पार्टिकल्स को इसमें डिजोल्व करते हैं तो एकदम से मिक्सअप हो जाते हैं. अब उसका रीजन क्या है कि जैसे ही हमने इसको किसी भी वाटर में किसी भी चीज को ड्रॉप किया, ड्रॉप करने से क्या होगा कि अब देखो आपको इतना पता है कि अगर हम किसी लिक्विड में डाल रहे हैं तो उसकी इंटरमोलिकुलर जो आपके पास स्पेसिंग है वो इतनी ज्यादा है, राइट. एक सॉलिड को आप बीच में डाल रहे हो, मान लो ये क्रिस्टल है, दिस इज अ क्रिस्टल, इस क्रिस्टल को आप इस बीकर में डाल रहे हो जहां पे आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं. अब ये वाला क्रिस्टल यहाँ पे जाके स्पेस ले लेगा, एक और क्रिस्टल आया वो यहाँ पे जाके स्पेस ले लेगा, एक और क्रिस्टल आया वो यहाँ पे जाके स्पेस ले लेगा, एक और क्रिस्टल आया वो यहाँ पे जाके स्पेस ले लेगा. धीरे धीरे ये क्या होंगी, स्पेसिंग को फिल करनी शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आपका जो वॉटर का कलर है इट विल गेट चेंज, कलर विल गेट चेंज. सो देर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आप अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है. जैसे डाइज हम यूज करते हैं, ठीक है, गर्म पानी में जो डाई यूज करते हैं डालते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इट कैट चेंज द कलर, ठीक है. तो वेरियस टाइप ऑफ आपके दुपट्टाज जो हैं उनके ऊपर जो कलर है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू सम क्रिस्टल्स फेंकते हैं उसमें पानी में, और इट विल गेट चेंज द कलर ऑफ द वॉटर एंड ऑटोमेटिकली यूर दुपट्टा, राइट. ओके, सो अब जो पार्टिकल्स होते हैं ये, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. अब अगर ये कंटिन्यूसली मूविंग पार्टिकल्स हैं तो ऑटोमेटिकली इन मोशन की वजह से, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि मोशन, जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, एनर्जी कौन सी आती है उसके पास, एनर्जी आती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी. जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी उसके पास कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी, राइट. तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये होती है हमारी हाफ एम वी स्क्वायर. इसको हम आगे जाके अगले चैप्टर्स में इसको प्रूव भी करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी हमारी कैसे है, ठीक है. अब दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि जब हम हॉट वाटर की बात करते हैं तो हॉट वाटर में जैसे ही हमने कलर डाला तो वो जल्दी ज्यादा क्या करता है, वो जल्दी से अपनी जो पोजीशंस को मेंटेन करता है वो, और क्या करता है कि पार्टिकल्स जो है वो इजिली इंटरमिक्स हो जाते हैं अगर आपका वाटर जो है वो हॉट है, कोल्ड वाटर में कम हो पाता है, ठीक है. सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर के राइज होने से, एज टेम्परेचर राइजेस, जैसे ही टेम्परेचर आपका राइज करता है तो पार्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं, फास्टली मूव करते हैं. पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव फास्टली, बहुत जल्दी जल्दी मूव करना शुरू करता है. इसका तो वेरी गुड एग्जाम्पल आपको मैंने अभी दिया है कि जो हम दुपट्टा डाई करते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि वो वाटर जो है वो वट एवर द मटीरियल दे आर टेकिंग तो हॉट वाटर में लेते हैं, ठीक है. अब आपने सिंपल एग्जाम्पल अपने घर पे परफॉर्म करना है तो उसमें भी आप ये कर सकते हो, ठंडे पानी में आपने चाय पत्ती, ठीक है, टी लीव्स को एक ठंडे पानी में डालो और दूसरी जगह पे आपने क्या करना है कि
हॉट वाटर में टी लीव्स को डालना है, तो सबसे ज्यादा आपको पता लगेगा कि हॉट वाटर में वो कलर ज्यादा आएगा कि कोल्ड वाटर में कलर ज्यादा आएगा, वाइब्रेंट कलर, ठीक है। तो जनरली किसमें आएगा, वो हॉट वाटर में आएगा। सो यहां से आपको क्लैरिटी हो गई कि पार्टिकल्स जो है वो कहाँ पे मूव करते हैं, ज्यादा हॉट वाटर में मूव करते हैं, यानी कि जब टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का राइज करेगा तब पार्टिकल्स जो है वो फास्टली मूव करेंगे, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी है अब यहाँ पे जिसकी वजह से, जैसे हमने वी हैव सीन दैट द पार्टिकल्स गेट इंटरमिक्स, ठीक है, इंटरमिक्स करते हैं एंड दे डू सो कैसे करेंगे, बाय गेटिंग स्पेसेस। जो स्पेस होती है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि वो स्पेसेस को अपनी पोजीशंस ले लेते हैं यहाँ पे आके। अब जो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, उसको क्या बोलेंगे हम, देयर इज अ वेरी गुड टर्म फॉर इट और दैट टर्म इज योर डिफ्यूजन। ऑलवेज रिमेम्बर इट कि जो पार्टिकल्स हैं हमारे वो इजिली मिक्स कहां पे हो सकते हैं, और इजिली मिक्स होने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। जो पार्टिकल्स जो हैं डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, ये गैस का सॉलिड में, वो सारी चीजें मैटर में आती हैं। दो अलग अलग डिफरेंट स्टेट जो मैटर की हैं, जब वो इंटरमिक्स होते हैं उसके पार्टिकल्स, तो क्या बनती है, डिफ्यूजन बनती है, ठीक है। और डिफ्यूजन आपको पता ही है कि तभी होगी व्हेन पार्टिकल मूव, व्हेन पार्टिकल मूव, जब पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करेंगे तब क्या होगी, डिफ्यूजन होगी, ठीक है। और डिफ्यूजन जो है हमारे पास, दैट इज डिफ्यूजन इज फास्टर, कब फास्टर होती है, डिफ्यूजन इज फास्टर ऑन हीटिंग, जब आप हीट करोगे तब वहां पर डिफ्यूजन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, क्लियर, और फास्ट हो जाएगी और मॉलिक्यूल्स विल मूव इजिली, मॉलिक्यूल्स विल मूव इजिली, मॉलिक्यूल्स विल मूव इजिली, क्लियर होगी बात, ओके। सो नाउ वी टॉक अबाउट की हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं नेचर मैटर के, वो एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, तो इसके लिए विल टेक सम एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले लेट्स टेक एग्जांपल, जैसे कि आपको मैंने बताया ये आयरन नेल, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज कि आयरन नेल, चौक, रबर बैंड, ठीक है। तो इनमें से अगर आपने इन तीनों में से किसी को ब्रेक करने की कोशिश की, तो सबसे पहले कौन सी चीज जो है वो ब्रेक होगी, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, डू द एक्सपेरिमेंट, आपने पता है रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो, स्ट्रेच करने के बाद उसमें क्या होता है कि कोई भी, मतलब वो इट विल कम बैक टू इट्स ओन पोजिशन, चौक को ब्रेक करते हो जाता है इजिली, आयरन नेल को ब्रेक करते हो, इन तीनों में से सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा ब्रेक करने में, आयरन नेल को ब्रेक करने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, एक जो हमारे पास आयरन नेल है, मान लो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर आयरन नेल, तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हर एक जगह पे ये पार्टिकल से ही तो बनती है, हर एक जगह पे जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ बाइंडेड होते हैं, क्या होते हैं, बाइंडेड होते हैं, और इसमें फोर्स जो है, स्ट्रेंथ यानी फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, स्ट्रेंथ इज मोर, समझ आ गई बात, तो स्ट्रेंथ जो है वो वेरी करती है आपकी फोर्स की, कि किसी चीज में ज्यादा आपके पास जैसे रबर बैंड है तो वो चौक से कम फोर्स की स्ट्रेंथ एक्वायर करता है, फिर चौक देन योर आयरन नेल, तो गेट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है जो कि आई वॉन्ट दैट यू विल आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स, ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज कि जो स्मेल होती है राइट, हॉट मतलब हॉट फूड की जो स्मेल होती है, हॉट फूड की, वो सेवरल मीटर्स अवे आती है,
मतलब बहुत दूर तक आती है, सेवरल मीटर्स अवे, सेवरल मीटर्स अवे. लेकिन जो कोल्ड फूड होता है, जो कोल्ड फूड होता है उसकी जो फ्रेग्रेंस है या स्मेल बोल सकते हो या फ्रेग्रेंस बोल सकते हो, वो आपके पास ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते. बट यू हैव टू गो क्लोज. अगर आपने स्मेल वहां की फ्रेग्रेंस लेनी है, यू हैव टू गो क्लोज टू इट, तो आपको पास जाना पड़ेगा. तो इसका रीजन क्या है? गिव रीजन फॉर इट. आई वॉन्ट योर रीजन फॉर इट कि इसका क्या रीजन है जिसकी वजह से हॉट फूड ये वर्क करता है और कोल्ड फूड ऐसा करता है. अब नेक्स्ट आता है कि सॉलिड, जैसे कि हम आइस की बात करते हैं, अगर आइस को हीट करोगे तो क्या मिलेगा? वाटर. वाटर को हीट करोगे तो क्या मिलेगा? वेपर. सिमिलरली वेपर को कूल करोगे तो क्या मिलेगा? वाटर. वाटर को ठंडा करते हैं फ्रिज में रख के तो क्या मिलता है? आइस. तो ये सारी स्टेट्स जो हैं आपस में तीनों की तीनों क्या है? इंटरकन्वर्टेबल है. क्या है? इंटरकन्वर्टेबल है. तो ये आपके पास आपकी एनसीईआरटी बुक में एक टॉपिक भी है, इंटरकन्वर्टेबल स्टेट्स ऑफ मैटर. तो दिस इज व्हाट इंटरकन्वर्टेबल मींस, कि एक को हीट करेंगे दूसरी मिलेगी, दूसरी को हीट करेंगे तीसरी मिलेगी, एक को कूल करेंगे दूसरी मिलेगी, दूसरी को कूल करेंगे तो तीसरी मिलेगी, राइट. सो आपको मैंने लास्ट टाइम वीडियो में ये बताया था कि जो सॉलिड लिक्विड और गैसेस, बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी कि फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम्स होते हैं, उनके कैसे होते हैं, राइट. मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक कोई भी बॉडी है दैट इज सॉलिड, ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं. मान लो ये वाले मॉलिक्यूल्स आई एम टेकिंग, इफ आई एम टेकिंग, तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको अगर मैं अलग सिस्टम में डालूं तो ये मॉलिक्यूल्स दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड. तो ये क्या है? बहुत सारे क्लोजली पैक्ड हैं और इनमें जो स्पेसिंग है वो क्या है? ना के बराबर है. कोई भी स्पेस यहाँ पे आपको देखने में नहीं मिलेगी. इसी की वजह से यहाँ पे फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा मिलती है. ओके. तो दूसरी चीज कि अगर इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दैट इज ऑल्सो हाई. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? कोई भी सॉलिड चीज को मेल्ट करना जो है वो क्या है? बहुत मुश्किल है, ठीक है. अब देखो सिंपल सी बात है, अगर हम आई फाइल टेक आयरन नेल एंड वाटर, तो किसका मेल्टिंग पॉइंट जल्दी आएगा? अगर आइस ले लो आप और एक आप ले लो यहाँ पे, एक आप आइस ले लो और दूसरी आप क्या ले लो यहाँ पे आयरन नेल ले लो, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? तो ऑटोमेटिकली हाई मेल्टिंग पॉइंट विल बी एक्वायर्ड बाय आयरन नेल, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. बिकॉज कि वो क्या है? वो इजिली कन्वर्टेबल टू लिक्विड स्टेट नहीं है. आयरन को इजिली हम कन्वर्ट नहीं कर सकते लिक्विड स्टेट में, ठीक है. सिमिलरली लिक्विड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, गैसेस का भी लो होगा. डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि डिफ्यूजन क्या चीज होती है, कि स्टेट को इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स, दो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर के पार्टिकल्स को इंटरमिक्स करना, उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन. अब सॉलिड्स के केस में तो डेफिनेटली नहीं हो पाएगी, लिक्विड के केस में फास्ट होगी. क्यों? क्योंकि स्पेसिंग होती है मॉलिक्यूल्स में. मॉलिक्यूल्स में क्या होती है? स्पेसिंग होती है, जिसकी वजह से वहां पे जो सॉलिड के क्रिस्टल्स हैं वो दोनों स्टेट्स जो है वो मिक्स हो पाते हैं. गैसेस में और भी ज्यादा स्पेसिंग होती है तो और अच्छा होता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन और फास्ट होती है. तो इन शॉर्ट वी कैन से कि डिफ्यूजन जो है वो फास्ट होती है, फास्टर होती है, सबसे ज्यादा किसमें होती है? गैसेस में, देन लिक्विड, देन सॉलिड. और दूसरी अगली चीज आती है कि जो सॉलिड होती है, जो सॉलिड्स होते हैं हमारे पास, वो कोई भी नंबर ऑफ सर्फेसिस होते हैं उसके. जैसे आयरन नेल की हम सिंपल सी बात करते हैं, तो जो आयरन नेल होती है इसका ये आउटर सर्फेस भी, इसके अंदर भी लेयर होगी, इसके अंदर भी लेयर होगी, तो इतनी प्रॉपर बाइंडिंग फॉर्म में है ये, ऐसे प्रॉपर बाइंडिंग फॉर्म में है. लेकिन जो लिक्विड होता है उसका सिर्फ क्या होता है? अपर सर्फेस होता है. अपर सर्फेस होता है क्यों? क्योंकि अंदर तो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट अपनी अपनी जगह पे हैं, तो उसका सर्फेस एक ही बाइंडेड होता है जो कि अपर सर्फेस होता है. और गैसेस, गैसेस का कोई भी सर्फेस नहीं हो सकता. हम एक उसमें बॉक्स में गैसेस की जो पोजीशन है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते मॉलिक्यूल्स. क्लियर होगी बात. उसके बाद जो सॉलिड्स है उसको कॉम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है. कॉम्प्रेस मतलब उनको दबाना बहुत मुश्किल है. मानो कि ये आपका सिस्टम है, इसमें ऑलरेडी सारा कुछ पैक्ड फॉर्म में है, तो इसको अगर आप कॉम्प्रेस करने की कोशिश करोगे तो ये नहीं हो पाएगा. अब फॉर एग्जांपल दिस इज अ सॉलिड सब्सटेंस, अगर मैंने इस सॉलिड सब्सटेंस को कॉम्प्रेस करने की कोशिश की तो ये नहीं हो पाएगा कॉम्प्रेस. क्यों? क्योंकि इट्स अ सॉलिड सर्फेस, इट्स अ कंप्लीट सॉलिड सर्फेस, इट कांट बी कॉम्प्रेस्ड. लेकिन लिक्विड्स के केस में क्या होगा कि कॉम्प्रेसिबिलिटी
बढ़ जाती है, लिक्विड के केस में कॉम्प्रेसिबिलिटी बढ़ जाती है और गैसेस जो होती हैं वो हाईली कॉम्प्रेसिबल होती हैं। क्या होती हैं? गैसेस हाईली कॉम्प्रेसिबल होती हैं। उसके बाद सॉलिड्स, आपको पता है डेफिनेटली सॉलिड एक जगह पे जहां पे आप उसको रख दोगे वो फ्लो नहीं करेगा। अब चेयर को आप रूम में रखते हो, क्या वो इधर से उधर घूमती रहती है खुद ही? नो, जब तक आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको इधर से उधर नहीं करोगे तब तक वो चीज मूव नहीं करेगी। लेकिन लिक्विड कैन फ्लो, पानी थोड़ा सा गिरता है तो देखो कितना सर्फेस तक हो जाता है। सिमिलरली गैसेस तो और भी ज्यादा फ्लो करती है, मतलब लिक्विड से भी ज्यादा गैसेस की जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, उसके बाद सॉलिड्स के बारे में ऑलरेडी टेल यू कि जिसमें जो डिस्टेंस होता है दैट इज वेरी स्मॉल और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, और इसमें लिक्विड के केस में क्या होता है कि जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा होता है और फोर्स कम होती है। डिस्टेंस ज्यादा, फोर्स कम, यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा, फोर्स बहुत कम। तो इनमें से आपको जो याद रखने वाली चीज है वो क्या है कि सॉलिड का हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है और लिक्विड का लोएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। डिफ्यूजन फास्टर जो है वो गैसेस में होती है, कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा गैसेस में होती है। सबसे ज्यादा फ्लो क्या कर पाते हैं? जो गैसेज हैं वही फ्लो कर पाती हैं। सबसे ज्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन किस में होती हैं? सॉलिड्स में होती हैं। और सबसे ज्यादा डिस्टेंस किस में होता है? आपकी गैसेज में होता है। ठीक है, तो नाउ अब हमने ये देखा कि जो इंटर कन्वर्जन होती है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, तो वो कैसे होती है। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन में सबसे पहले हमने बात करनी है कि अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफर होती है, सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफर होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको मेल्ट करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? मेल्ट करना पड़ेगा। और उस मेल्टिंग को क्या बोलते हैं? फ्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे फ्यूजन होता क्या है। उसके बाद लिक्विड को जब हम गैसेस में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे कौन से पॉइंट पे कन्वर्ट होती है? वेपोराइजेशन। किस पे होती है? वेपोराइजेशन। फिर जब सॉलिड से डायरेक्ट हमने गैसेस बनानी है, ये भी स्टेट पॉसिबल है, सॉलिड से डायरेक्ट हमने क्या बनानी है? गैसेस बनानी है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। क्लियर? अब सॉलिड से गैस हो गया, ठीक है, सबसे पहले सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया। अब गैस से सॉलिड अगर हमने बनाना है, गैस से सॉलिड अगर हमने बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? गैस टू सॉलिड हम बनाएंगे कूल करके, बाय द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ कूलिंग। अब लिक्विड टू गैस टू वेपराइजेशन होगी, तो गैस टू लिक्विड क्या हुआ? गैस टू लिक्विड हमारे पास हो गया कंडेंसेशन। क्या हो गया? कंडेंसेशन। अब सॉलिड टू लिक्विड हमने बना लिया, तो लिक्विड टू सॉलिड क्या बनेगा? लिक्विड टू सॉलिड बनेगा सॉलिडिफिकेशन। क्या बनेगा? सॉलिडिफिकेशन। देयर इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस सब्लिमेशन, जिसका नेम आपको आप यूज भी करते हैं आपके पेरेंट्स घर पे, जिसको फटकरी बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फटकरी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और उसका नेम ड्राई आइस भी होता है। ड्राई आइस बोलते हैं, उसकी शक्ल आपने देखी होगी आइस जैसी होती है, लेकिन वो अभी क्या होती है, वो आपकी ज्यादा ठंडी नहीं होती, कोई ठंडा गर्म ऐसा कुछ नहीं होता उसमें, लेकिन वो ड्राई आइस होती है। उसमें क्या होता है कि आपकी जो सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है किसमें? गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने ये जो स्टेट्स को फॉलो अप किया, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड, ठीक है, ये सारे जो इंटर कन्वर्जन्स की हैं, ये हम करते हैं बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। इनसे हम क्या करते हैं? इन स्टेट्स को चेंज कर पाते हैं। क्लियर होगी बात? अब जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी, ये सॉलिड टू गैस बनेगी बाय डिक्रीज ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर के डिक्रीज करने से, कितना प्रेशर डिक्रीज करना है? वन एटमोस्फेरिक प्रेशर। एक एटमोस्फेरिक प्रेशर से अगर आप डिक्रीज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में नहीं जाएगी। तो इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा?
ड्राई आइस पड़ा, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाती है, लिक्विड में नहीं जाती। कितने प्रेशर पे, प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, कितना डिक्रीज करते हैं, 1 atmospheric प्रेशर डिक्रीज करते हैं। सो दिस वॉज द रीजन। सो सबसे पहला फैक्टर आता है हमारे पास सब्लिमेशन, जो अभी हमने डिस्कस किया। सब्लिमेशन में हमने बात करनी है कि सॉलिड स्टेट से, सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिड टू डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ऑन हीटिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड जो फॉर्म है वो आती है कूलिंग। कूलिंग, कूलिंग में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी गैसेस टू सॉलिड। तो कैसे बनेगा, ऑब्वियसली ऑन कूलिंग, कूल करने पे गैसेस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेल्टिंग, मेल्टिंग, मेल्टिंग में क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, फ्यूजन भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग या जिसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। अब इसमें क्या होगा आपके पास, जनरली यहां पे हमने क्या करना है कि आपको यहां से किसी भी चीज को ठंडा करने के लिए हमने उसमें से हीट निकालनी होती है, ठीक है। क्या निकालनी होती है, हीट निकालनी होती है। तो हीट इज गिविंग आउट, बाहर निकालनी होती है, हीट इज गिविंग आउट, तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए बाहर। आपको हमेशा याद रखना है, जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाना है, जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाना है तो आपको हीट देनी है ताकि सिस्टम जो है हीट को एब्जॉर्ब करे अपने अंदर। जब आपने सॉलिड, जैसे लिक्विड से सॉलिड में जाना है, तो क्या कर रहे हो आप, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो। टेम्परेचर को डिक्रीज करने का मतलब क्या है, हीट आपने उसमें से निकालनी है ताकि वो क्या हो जाए, मॉलिक्यूल्स बाइंड होने शुरू हो जाए, समझ आ गई बात। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है, कंडेंसेशन में बेसिकली हमारे पास गैस से लिक्विड में जाती है। अब गैस से लिक्विड में जा रही है तो यहां पे भी क्या होगा, हीट बाहर निकालनी है, गिवन आउट, हीट बाहर निकालनी है। नेक्स्ट आती है वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन में क्या होगा, वेपराइजेशन में आपके पास लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होगी, लिक्विड टू गैस कन्वर्जन होगी। तो यहां पे अब क्या होगा, बढ़ रहा है तो हीट एब्जॉर्ब होगी, क्या होगी, हीट सिस्टम में एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। अब इन सारे फिनोमेनास के बाद हमारे माइंड में एक चीज आती है, वो ये कि एक फिनोमेना है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो अब इवेपोरेशन और बॉइलिंग में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये फिनोमेना है क्या। तो इवेपोरेशन में हमारे पास क्या है, बच्चे डोंट गेट कंफ्यूज विद इवेपोरेशन और बॉइलिंग, दोनों डिफरेंट फिनोमेनास हैं, ठीक है। इवेपोरेशन आपको सिंपल सी एग्जांपल मैं बताती हूँ इवेपोरेशन की, कि जब आपको गर्मियों में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, ठीक है, आप एकदम से जो है मतलब आप वर्कआउट करके आते हो, आपको एकदम से बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो आप एकदम से बैठते हो जब आके, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी बॉडी से धीरे धीरे हीट निकलनी शुरू होती है और आपकी बॉडी ठंडी होनी शुरू हो जाती है, राइट। तो वो क्या होता है कि आपका जो स्वेट है वो इवेपोरेट हो रहा है। कैसे इवेपोरेट हो रहा है, कि आप फैन के नीचे आ रहे हो, एसी के नीचे आ रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो स्वेटिंग है वो इवेपोरेट हो रही है। और वहां पे हमें ये पता लगा कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन क्या करती है, कूलिंग कॉज करती है। लेकिन बॉइलिंग में तो ऐसा कुछ नहीं होता। बॉइलिंग में क्या है, सिंपल एग्जाम्पल अगर हम देखें कि आपने एक गैस पे पानी उबलना रखा हुआ है, ठीक है, तो दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस, ये तो है ना कि एकदम से आपको स्वेट आया और एकदम से आपका स्वेट चला गया, तो वो क्या है, धीरे धीरे आपका स्वेटिंग जाएगा। लेकिन बॉइलिंग, बॉइलिंग एक बार टेम्परेचर आ गया उतना, एक बार बॉयल होना शुरू हो गया तो वो बॉयल होता जाएगा, राइट। और इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पे होती है, हमारी बॉडी की सरफेस पे ही होती है स्वेटिंग, तो वहीं पे आपकी इवेपोरेशन कॉज होती है। और बॉइलिंग, बॉइलिंग कैसे होती है, पानी गर्म, ये तो है नहीं कि सिर्फ पानी ऊपर वाला आपका गर्म होगा, तो जो आपका पानी कैसे गर्म हो रहा है, पानी आपका पूरा का पूरा, अगर आप ऊपर से लोगे चाहे नीचे से लोगे तो पानी जो है वो कंप्लीट गर्म होगा। और ये जो वेपोरेशन है बेसिकली आपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही लेनी है, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जो होगी वो वेपोरेशन होगी। और जो बॉइलिंग होती है वो आपको पता है कि जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट।
और जो सब्सटेंस है वो कोल हो जाते हैं इवेपोरेशन के लिए, और लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है कि वो गर्म के गर्म रहते हैं। और इवेपोरेशन जो है हमारे पास हीट इज एब्जॉर्ब, सराउंडिंग से हीट जो है एब्जॉर्ब होती है, और जो आपकी बॉइलिंग में है वो हीट चाहिए होती है एक्सटर्नल सोर्स से, जैसे कि बर्नर वगैरह से हम हीट लेते हैं। ओके, सो दिस इज इट। सो आई होप दैट दिस लेक्चर विल गिव यू अ लर्निंग टूल एंड आपको कुछ सीखने को मिलेगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर इट। थैंक यू सो मच। I'm not the one who's always right.